पूछना है, आप पीएसयू मिड टियर पीएसयू बैंक्स और मिड टियर बैंक्स पे आप नजर रखें लास्ट 3-4 दिन से, आज आरबीआई पॉलिसी भी है। अगर बहुत ज्यादा हॉकिश टाइप की कमेंट्री नहीं आती, बहुत डराने वाली, थोड़ी ग्रोथ ओरिएंटेड आती है, तो क्या वहां पे एक ट्रेडिंग बाउंस का केस बन रहा है पीएसयू बैंक में यहां से भी, या मिड टियर बैंक्स में यहां से भी? देखिए अजय, शक्तिकांत दास को जो हमने देखा है, हमने समझा, वो एक ग्रोथ ओरिएंटेड? डोमिनेटेड हाँ आरबीआई गवर्नर है। कोविड में उन्होंने इन्फ्लेशन को इग्नोर करा और ग्रोथ को प्रायोरिटाइज करा। आज उनके पास मौका है बोलने के लिए कि भी देखो, कमोडिटी हमने को बोला लेकर था के जो हमने बोला था ऐसा हो रहा है। हमने बोला था सेकेंड ये आज हाफ में आरबीआई गवर्नर इन्फ्लेशन साहब कर नीचे सकते आएगी, हैं, तो आज उनको एक मौका मौका है। मिल रहा है और आई थिंक उस मौके का वो फायदा जरूर उठाएंगे मैंने तो अजय। बोला ही था। मैंने तो बोला ही था, ठीक है। दूसरा, एक बात बहुत अच्छी तरह से और मेरे हिसाब से प्रकट होकर के आ रही है कि ग्लोबल इन्फ्लेशन का रुख अलग है, इंडिया के इन्फ्लेशन का रुख अलग है। करेक्ट, तो जो यूके के सेंट्रल बैंकर ने जो कल करा है, हिंदुस्तान के सेंट्रल बैंकर को करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर ग्रोथ की रिकवरी की हम बात कर रहे हैं, वहाँ पर रिसेशन की बात कर रहे हैं। तो जस्ट बिकॉज ऑल ग्लोबल सेंट्रल बैंकर्स आर एक्टिंग, जरूरी नहीं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी एक्ट करेगा। करेक्ट, 70% रेट हाइक हो चुकी है, 30 बिप्स और 70 बिप्स से रेट हाइक हो चुकी है, 30 बिप्स और हो सकती है। मगर मुझे लगता है कि अंडरलाइन कॉमेंट्री जो रहेगी वह आज बुलिश रहेगी। राइट, एक्सीलेंट। बिल्कुल है, तो बुलिश कमेंट्री रहेगी और उस पर नजर भी रहेगी कि किस तरह की, और वैसे उसी पर बाजार बहुत हद तक आए कर